अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेज़ॉन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, जहां से आप लोग जो है दुनिया की तकरीबन हर चीज़ जो है ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अमेज़ॉन से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है वहाँ पे रन कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम ऐसे मेथड हैं जिनके लिए आप लोगों को किसी न किसी स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनसे अर्निंग के लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ती है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिस के ज़रिए आप लोगों को बग़ैर किसी स्किल के और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग जो है अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को अमेज़ॉन से विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी स्किल आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने होते हैं और उन टास्क के बदले में आप लोगों को जो है अच्छी खासी अर्निंग जो है मिल सकती है। बहुत ही आसान और सिंपल काम है। आप लोगों को किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना जो है आपने ई कॉमर्स स्टोर नहीं वहाँ पर बनाना, कोई किसी किस्म की कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं है, कोई चीज़ आपने परचेज़ नहीं करनी, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए, बस। आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त काम है, छोटे छोटे टास्क होते हैं। असल में होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का नंबर वन और बिगेस्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होता है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ जो है कारोबारी हजरात जो होते हैं अपने जो है कंपनी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, अब जाहिर सी बात है उसके लिए उन्होंने ख़ुद तो वो काम करने नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, जिस तरह जो है अपवर्क और फाइवर है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग जो है जॉब पोस्ट कर देते हैं अपने, ठीक है, काम करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी अमेज़ॉन पे भी क्या करते हैं, वो कारोबारी हजरात जो होते हैं वो अपने कंपनीज़ के छोटे छोटे काम जो होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, और फिर रिमोट वर्कर जो होते हैं, फ्रीलांसर जो होते हैं, ठीक है, वो उनका जो है उनके काम करके उनसे जो है एज अ रिवार्ड वो वहाँ से अर्निंग लेते हैं। तो ये इस काम का जो है प्रोसीजर है, ये कोई अपवर्क या फाइवर की तरह नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, वो वाला कोई चक्कर नहीं है, आपने अमेज़ॉन से ही अर्निंग करनी है और विदाउट एनी स्किल अर्निंग करनी है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने अर्निंग करनी है। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पे वीडियो जो है समझ आ जाए और आप जो है इस मेथड से अर्निंग स्टार्ट कर दें, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसके अलावा जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकान पर जो है लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को बाकी वीडियोज़ भी जो हैं जल्द अज जल्द मिलती रहें। तो सारा प्रोसीजर समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये वेबसाइट आपके पास ओपन है, यहाँ पे आप लोग देख लें, ये इसका होम पेज जो है मेरे पास ओपन है, ठीक है। इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो आपने इस पे वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ गेट स्टार्टेड विद अमेजॉन मैकेनिकल टर्क, आपने इस जो है बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे दो तरह के ऑप्शन जो हैं ओपन होके आते हैं, गेट स्टार्टेड विद अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क, एक लिखा हुआ है क्रिएट टास्क और दूसरा लिखा हुआ है मेक मनी। तो क्योंकि हम यहाँ पे एज अ वर्कर काम करना चाह रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर जो है हम काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट अ वर्कर अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइन इन वाला जो है पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपने अपना नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड, ये चीज़ें एंटर करनी है, तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, मैं यहाँ पे जो है लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। फिर
फिर मैं आपको इसका सारा जो है इंटरफेस दिखा देता हूँ, इसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे वर्किंग करनी है इस पर। ठीक है, ये मेरा अकाउंट यहाँ पे जो है लॉगिन हो गया है। अब ये कुछ चीज़ें आपसे इस तरह की पूछेगा, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंट पूछ रहा है, यहाँ से आपने देख लेना आप किस कंट्री से हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे अपना जो है नाम आपने लिख देना है, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपने जो है लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अमेज़न। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कर, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं लिखना। ठीक है, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सिटी यहाँ पे मैं लाहौर सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट प्रोविंस में आप अपना प्रोविंस लिख देना है, मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब लिख दूंगा। यहाँ पे आपने पोस्टल कोड जो है अपना एंटर कर देना है, अपने जो है उसका सिटी का। ये पोस्टल कोड आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना सिटी लिखेंगे तो आपके पास जो है उसका पोस्टल कोड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर का ढूंढना चाहता हूँ, तो ये मैं लाहौर लेके ये मैंने एंटर किया, तो ये देखें इसके सारे जिप कोड पोस्टल कोड जो है मेरे पास ओपन होके आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने वो वाला जो है पोस्टल कोड एंटर कर देना है। ठीक है, ये चीज़ एंटर करके आपने चले जाना नीचे। ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अमेज़न मैकेनिकल टर्क, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, तो हम लिख देते हैं कि जी सोशल मीडिया। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या है कि आप इस पे जो है टास्क क्यों कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे रिवार्ड्स अर्न करना चाहते हैं, हम मनी अर्न करना चाहते हैं। ये चीज़ें आप फिल आउट करोगे, नीचे लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अमेज़न मैकेनिकल टर्क। ये कहता है वी विल ई मेल द अमेज़न अकाउंट यू साइंड इन विद, जब कहता है ये आपकी जो प्रोफाइल है इस ये रिव्यू हो जाएगी। ठीक है, इसकी सारा डिटेल जो है कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको मेल कर देंगे। ठीक है, कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, अब इस पे आप जो है वर्किंग कर सकते हैं। चलें, जब तक ये वेरीफाई होता है मैं आपको समझा दूं कि आपने वर्किंग इस पे कैसे करनी है। ये वाला जो मेरा अकाउंट ओपन है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये हिट्स के नाम से एक ऑप्शन है, ये मेन्यू बना हुआ है हिट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें मेरे पास मुख्तलिफ जो हैं टास्क ओपन होके आ गए हैं। ऐसे समझ लें कि ये हिट्स जो हैं ये टास्क हैं आपके जो आपने परफॉर्म करने होते हैं मुख्तलिफ तरह के। इस पे क्या होता है कि जिस तरह मुख्तलिफ गेम्स के अंदर होता है, जो बंदा मतलब पहले हिट कर जाए ठीक है वो विन कर जाता है, तो इस तरह इस पे ऐसे ही होता है, जो भी टास्क आते हैं जो बंदा उसको पहले एक्सेप्ट कर जाए तो वो बंदा उसको मिल जाता है, वो टास्क वो बंदा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी काम होगा ये रिक्वेस्टर का नाम होगा, फिर उसकी जो है टाइटल होगा कि कौन सा काम है उसका, फिर उसके हिट्स लिखे हुए होंगे कि कितने लोगों ने इस पे हिट किया है। ठीक है, उसका रिवार्ड लिखा होगा कि ये काम करके आपको कितने डॉलर जो है मिलेंगे। ठीक है, उसका क्रिएशन टाइम लिखा हुआ होगा कि कितने टाइम पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड वर्क लिखा हुआ है, आप जिस टास्क को करना चाहोगे आपने क्या कर देना है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ देख लें, ये मुख्तलिफ तरह के टास्क आ रहे हैं और हर टास्क की जो है अर्निंग डिफरेंट है, इनका एक हिट अप्रूवल रेट होता है, ये आपका जो है ये 100% होना चाहिए, ये सबका ही 100% होता है शुरू में। ये लो क्यों होता है, हिट अप्रूवल जो टाइम इनका होता है रेट जो होता है ये लो इस वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक टास्क पे हिट किया ठीक है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया बट उसको हमने किया नहीं है, तो हमारा क्या होगा ये जो हिट अप्रूवल रेट होगा ये कम हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। जब आप का हिट अप्रूवल रेट जो है ये 100 से कम होगा तो फिर आपको जो ये काम है ये मिलने के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। लिहाजा आपने ऐसे नहीं करना कि आपने हिट तो कर लिया एक जो है टास्क को, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपने उसको फर्दर किया नहीं है, ऐसे नहीं करना। आपने इस यहाँ से देख के तसल्ली कर लेनी है कि ये आप कर सकते हैं, उसी को आपने जो है हिट करना है फिर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये जो आ रहे हैं जिनके सामने लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड वर्क, ये फिलहाल आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये जो प्रोफाइल है अभी जो है रिव्यू में चल रही है, इसलिए हमारे पास ये सारे ओपन होके नहीं आ रहे। ठीक है, ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये यही नहीं है कि छोटे छोटे हैं, ये देख लें यहाँ पे ये $7.5 का एक यहाँ पे टास्क है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एड्रेस आइडेंटिफिकेशन करनी है सिर्फ।
ठीक हो गया जी। उसके बाद ये नीचे आप जो लोग देख सकते हैं, ये $2 का है, ठीक है, ये फिर $7.50, ये $2, ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ टास्क आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टास्क देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें कोने के अंदर राइट साइड पे ये टॉप पे फिल्टर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है आई एम क्वालिफाइड टू वर्क ऑन, आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके आपने क्या करना है यहाँ पे जो है अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें रिफ्रेश होके पेज आ गया और यहाँ पे बहुत सारे टास्क जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ से आप लोग सारे ये इसकी डिटेल्स वगैरह चेक करके, ठीक है, आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये $1 का है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी 1 मिनट की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करनी है जस्ट, ठीक है, 1 मिनट की। आपको उसके बदले में क्या मिलेगा जी, $1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं, ये देखें पैसिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टडी सेटअप आपने बनाना है, इसका भी आपको $1 मिल रहा है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं ये आपको टास्क मिलते हैं छोटे छोटे, ये 2 से 3 मिनट 5 मिनट लगते हैं, इसके बदले में आपका ये जो है आपको ये रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है, ये डॉलर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चनियर के नाम से मैं इसको एक्सेप्ट एंड वर्क पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास वही वाला ऑप्शन आ गया है कि अकाउंट सेटअप इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि हमारी जो अभी अकाउंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। तो आपने वेट कर लेना है जब तक आपको मेल आ जाए, ठीक है। ये वर्किंग मैंने आपको सारी समझा दी है कि आपने वर्किंग कैसे करनी है। इसमें आपने वही एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो हिट रेट है ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आपने खास ख्याल रखना है, आपने यानी उसी जो है टास्क पे हिट करना है, उसी टास्क को जो एक्सेप्ट करना है जो आप समझते हो कि हम कर सकते हैं, अदरवाइज आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारे टास्क आ गए हैं और इसको आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टास्क जो हैं शो हो जाएंगे। तो आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान काम है, ठीक है, जिस पे आप लोग 5 से 10 मिनट वर्किंग करके जो अच्छी खासी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है अकाउंट बनाते हुए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हुए, किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।